से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां एक 15 साल की लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 12 अगस्त को लड़की ने अपने पिता को बताया कि आरोपी रोहित ने उसके साथ रेप किया है, जिसके बाद लड़की के पिता ने तत्काल कुलसुमपुरा पुलिस थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। मैं खैरवाल जयवीर राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ का तेलंगाना का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। बच्ची के साथ ऐसा दुर्घटना घटी बोल के मेरे को कल शाम में ही मालूम हुआ। मैंने जाके सुल्तानी शाही में और अपना जियागुड़े में इनके मम्मी डैडी से बात करी और पीएस से भी मैंने एक इंक्वायरी निकाली तो पीएस वाले भी इनका कोई साथ नहीं दे रहे। अगर कोई पीएस वाले ऐसे केस को पॉलिटिकल का ये नाम बता के ऐसा कोई पीएस वाले हाथ नहीं डालेंगे तो कल के दिन है ना हर बच्चियों का रेप केस कोई करने में पीछे नहीं हटेगा। तो मैंने अभी आज दोपहर में 3:30 बजे कमिश्नर साहब से बातचीत की कि साहब आप यहाँ के हेड है, आपके कारण होते हुए है ना हमारी बच्ची के लिए कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा। तो मैंने कमिश्नर से बोलने के बाद है ना कमिश्नर साहब ने डीसीपी को फ़ोन करे, डीसीपी साहब कहने जाओ कल काम तुम्हारा हो जाएगा, ये फिक्र मत करो जयवीर बोल के बोले। अब यहाँ ह्यूमन राइट्स के ऑफिस में आए सो है हम लोग। तो अब मैंने मेरा दोस्त है ऑल इंडिया का वाइस चेयरमैन है एमडी आमिर, तो उन्हें बोला कल 10-11 बजे से आके ना डायरेक्ट चेयरमैन से सबसे मिला के है ना आपका काम ख़त्म करा देता हूँ बोल के बोले। मैं यही चाह रहा हूँ जब कानून होते हुए बच्चियों का ऐसा बलात्कार होएगा तो कल के दिन कानून को कोई नहीं मानेगा। मेरी ये है कि अब अगर जो कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा ना तो आपका भी जाके है ना पीएस पे हमला करना और पुलिस वालों को मैं बोल रहा हूँ साफ सीधा कि किसी की बच्चियों पे है ना ऐसा बलात्कार होने से किसी की बच्ची सेफ नहीं रहेंगी। इसलिए मेरी ये एक कानून से और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से कहावत है कि ऐसे केसों को है ना मुद्दे के और कानूनी तौर के उस पर एक सही देखिए। मैं ये कानून से बोल रहा हूँ, कानून भी इनका कुछ हेल्प नहीं कर रहा। वो बच्चा आके बोल रहा कहते मेरा बाप बीजेपी पार्टी का लीडर हूँ, मैं वो कर लेता हूँ ये कर लेता हूँ। पुलिस वाले भी है ना कौन सा जियागुड़े के पीएस में हाँ कुलसमपुरा पीएस में एक दिन के लिए रखे। जब बच्ची का इतना बड़ा केस हुआ पुलिस वालों का हक है कि बच्ची को पूरा न्याय मिले तक उसको नहीं छोड़ना, तो कैसा छोड़ दिए? पार्टी का लीडर हूँ बोलते क्या छोड़ देंगे? अब मैं पार्टी का मैं भी हूँ, बीजेपी पार्टी से हूँ मैं भी, मेरा सेंट्रल से है, तो मैं थोड़ी कि मैं एक मेरे को एक पोजीशन दिया गया तो किसी पे गलत काम करूँगा। मेरा एक ये कहावत है, मैं राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, तेलंगाना वाल्मीकि महिला मोर्चा संघ का भी स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, ये दो का मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। मेरी ये आप ये कानूनी से एक इच्छा है कि बच्ची को हमारे न्याय मिलना, और कल मैं यहाँ के अपने ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन से मिलूँगा और अपना डीसीपी सर से मिलके है ना अगर अंदर नहीं डाल लेके जाएंगा उनकी फैमिली को पूरे उनको अंदर नहीं डाले जाएंगा तो मैं सेंट्रल तक ये बात उठाऊंगा। ये मेरी एक कहावत है, जय भीम जय वाल्मीकि। लड़की के पिता ने थाने में बताया कि रोहित नाम के लड़के ने उनकी 15 साल की बेटी के साथ रेप किया है। वहीं लड़की के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रोहित के पिता का नाम सतीश बिटाला है और वह बीजेपी के नेता है। पीड़ित लड़की के पिता ने मीडिया और पुलिस थाने में निवेदन किया है कि रोहित को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। जियागुड़े में रहते हम, उन्हों लीडर है बीजेपी का लीडर है, उसका बेटा रोहित है, उसका नाम रोहित है। उन्होंने हमारी बच्ची के साथ में गंदा करा, बच्चा गोलियाँ खिलाया, धमकियाँ दिया, उसको मारने को गया, घर वालों को भी नहीं बोलना बोला बच्ची को, तो बच्ची डर के ऐसा गलत कर उन्हों गलत करा बच्ची के साथ में, तो हम लोगों को इंसाफ होना। कितने दिन हो रहा है ओके बच्ची को? 15-20 दिन हो रहा, एक महीना हो रहा बोल रहा बच्ची की, कब से गुना लो के जब से उसको टॉर्चर करने लगा है बच्ची को टॉर्चर करते करते ये कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन बहुत करा बच्ची के साथ में। बच्ची कहे कि तंग हो के अब तुम्हारा बताती हूँ, अब मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, तुम बहुत डरा लिए मेरे को बोल के बच्ची हमारे पास आई, आके हमारे को बताई सब। हम लोग पुलिस में कंप्लेंट भी करे, पुलिस वाले कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हमारे को। अब से कितने 8-10 दिन हो गए, अभी तक बच्चा कहीं भी नहीं, जेल में भी नहीं डाले, उनके बाबा की पोजिशन के लिए उन्होंने घूम रहा,
ऐसा बोल रहा, 20-20 हज़ार रुपये दे के खरीद लेता हूँ सबको, तुम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा। मेरे बाबा की बहुत बड़ी पहुँचे हमारे पीछे, उन्होंने है कहते कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग मेरा, ऐसा बोल रहा। हमारी बच्ची को डरा रहा, बच्ची का मर्डर करता कहते उन्होंने, बच्ची को बोल रहा तू नको मार, मैं मारता हूँ तेरे को कहते, तेरा मर्डर मैं करता हूँ। तुम्हारी छोटी बच्ची है ना 4 साल की, उसको भी ख़राब करता कहते, तो जाके पुलिस कंप्लेंट करी ना, उसको भी ख़राब करता बोल रहा नो, जोरू को भी करता कहते। बाबा के पीछे भी गया टक्कर लगाने को, बच्ची साथ में थी बोल के देख ली, बच्ची कहेगी घर पे बुला ली बाबा को, नको जा बाबा तू, उन्होंने नहीं बताई बच्ची को, फिर भी उन्होंने देख ली बोल के बच्ची तो, फिर भी बच्ची के साथ बच्ची हमारे को आ रही तो बताने को, नदी के रोड पे इधर उधर ठहर जा रहा, उन्होंने बच्ची को दूर से ही चाकू बता रहा, जमीन बड़े बड़े तलवारा लेकर ऐसा डाल के बता रहा, तेरे बाबा को डाल देता, तेरे भाई को डाल देता बोल के, और तेरे पीछे तो कौन भी नहीं है, मेरे पीछे तो सब है कहते, सब ठहर जाते मेरे पीछे आके। कानून भी मेरा हमारा साथ नहीं दे रहे, कानून भी हमारा साथ नहीं दे रहे, इसलिए हम लगा कमिश्नर के ऑफिस में आए कंप्लेंट कर रहे। हाँ, जियागुड़े में पुलिस कॉलोनी में रहता हूँ। यह महीना 12 तारीख संजय नगर से माइनर बच्ची का पिताजी आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया, उसके बच्ची के ऊपर जियागुड़ एरिया का बच्चा बलात्कार करा बोल के कंप्लेंट दिया, उसके ऊपर पोक्सो केस रजिस्टर हुआ। तो बच्चे के बारे में इंक्वायरी करे तो उसका बच्चे का नाम रोहित है बोल के बोला हुए तो है, उन्हें प्रेजेंट अब्सकैंडिंग है, उसका अरेस्ट करने के बाद फर्दर डिटेल्स रहेगा। कुलसुमपुरा से राहुल सिंह की रिपोर्ट।